हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसके लिए हम इतने ज़्यादा उतावले थे। पर जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि बीएड वालों को बाहर कर रखा है, बट एक डाउट जो मेरे मन में आया और काफ़ी बच्चों के मन में आया कि बीएड वालों का रिज़ल्ट भी दे रखा है। अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपना स्कोर चेक करेंगे तो आपको अपना स्कोर दिखाई जाएगा कि आपका स्कोर कितना है। मैं आपको अपना स्कोर बताऊँगी वीडियो के एंड में। और अभी जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, जिसके अंदर उन्होंने कट ऑफ बता रखी है कि जनरल की 135 गई है, ओबीसी की 127 समथिंग कुछ गई है, उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये रिज़ल्ट बीटीसी वालों का दिया हुआ है या फिर बीटीसी बीएड मिक्स करके दे रखा है। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि इसमें बीएड वाले शामिल हैं या नहीं, क्योंकि अगर बीएड वाले इस रिज़ल्ट में शामिल हैं तो कट ऑफ हाई बहुत ज़्यादा गई हुई है। क्योंकि अगर बीएड वालों को हटा दिया जाए तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी। तो पता नहीं केवीएस ये क्या कर रहा है। अगर रिज़ल्ट दे रहा है तो कम से कम अच्छे से क्लेरिफिकेशन से दे। तो अभी मेल किया हुआ है काफ़ी लोगों ने इस चीज़ से, देखते हैं केवीएस क्या रिप्लाई करता है इस बात का कि जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने मिक्स करके दिया है बीएड बीटीसी के साथ दिया है या सिर्फ बीटीसी वालों का दिया हुआ है। देखते हैं क्या अपडेट मिलती है। तो मैं आपको अपना स्कोर बताती हूँ, ये मेरा स्कोर है, आप देख पा रहे हैं, और मेरी जो कैटेगरी है ओबीसी है। तो अगर ये बीएड मिला के रिज़ल्ट है और सिलेक्शन है वो हो जाना चाहिए था, बट जैसा कि सभी जानते हैं कि बीएड है तो कुछ कर नहीं सकते हैं अभी तक। तो बाकी केवीएस का क्या रिप्लाई आता है उसका भी हम सब वेट करते हैं और देखते हैं क्या अपडेट मिलती है। जैसे कोई अपडेट आएगी मुझे पता लगता है तो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इसी के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।